हम सभी स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी खबर जो है अपडेट जानकारी निकल के आ रहा है इस वक्त की। सबसे जो है बेहद ही इंपॉर्टेंट जानकारी अपडेट कि छत्तीसगढ़ में जो है शिक्षक के 12,489 पदों के लिए जल्दी आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन आने वाला है। आप इससे हर एक स्टूडेंट लगभग 80,000 स्टूडेंट का सी जी टेट एग्ज़ाम जो है इस बार क्वालिफाई हुआ है और पिछले बार भी बहुत से स्टूडेंट का सी जी टेट एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हुआ है। तो सभी स्टूडेंट इसी इंतज़ार में है कि कब जो है छत्तीसगढ़ में शिक्षक के 12,489 पदों के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी हो। तो आपको बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में जो है 1 और 2 दिसंबर को आरक्षण मामले को लेकर जो है विधानसभा का विशेष सत्र जो है बुलाया गया और विशेष सत्र का जो है आयोजन किया जा रहा है। जब 1 और 2 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र होगा उसके बाद जो है सीधा सीधा छत्तीसगढ़ में शिक्षक के 12,489 पदों के लिए जो है भर्ती विज्ञापन आप लोगों के लिए जो है जारी कर दिया जाएगा। तो बस आप लोगों के पास काफ़ी लिमिटेड समय है, 1 महीने का ही समय है एक तरह से अगर बोले तो, क्योंकि दिसंबर में फर्स्ट वीक में आप लोगों का नोटिफिकेशन जो है जारी हो जाएगा। उसके बाद जनवरी में आप लोगों का एग्ज़ाम्स होगा शिक्षक का 12,489 पोस्ट के लिए। तो काफ़ी कम समय है, तो इन कम समय में आप जो है किस तरीके से एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं तो इस वीडियो में आप लोगों को कम्प्लीट जानकारी बताऊँगा, संपूर्ण जानकारी बताऊंगा कौन कौन से पुस्तकें आपको जो है पढ़ना चाहिए जिससे आप एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर सकें और एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे से नंबर ला सकें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ सिलेबस के बारे में और कौन कौन से सब्जेक्ट से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, तो कम्प्लीट जानकारी इस वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिए। तो छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती परीक्षा के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो आपके एग्ज़ाम में कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक के होंगे। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से आपके एग्जाम्स में 30 अंकों के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके साथ सामान्य हिंदी से 25 अंकों के, सामान्य अंग्रेजी से भी 25 अंकों के, गणित और विज्ञान से 30 अंकों के 30 प्रश्न, सामाजिक अध्ययन से 20 अंकों के प्रश्न आएंगे, कंप्यूटर से 10 अंकों का और सामान्य ज्ञान से भी 10 अंकों का। तो 150 प्रश्न जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और आपके एग्ज़ाम्स में बताना चाहता हूँ कि माइनस मार्किंग नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलता है शिक्षक भर्ती परीक्षा में। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात करें तो इसमें आपके विकास की अवधारणा एवं उसके सीखने से संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, परिप्रेक्ष्य एवं अभ्यास, सीखने में कठिनाई, विकलांगता आदि से संबंधित बच्चों के शिक्षण से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके साथ हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपका जो व्याकरण आएगा जिसमें आपका स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, वचन, काल, वाक्य, संधि, संधि के प्रकार, संधि विच्छेद, तत्सम, तद्भाव, देशज, पर्यायवाची शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और उसके भेद, अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, विशेषण, क्रियाकारक, वाक्य भेद रचना, मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, श्रवण वाचन, लेखन एवं पठन कौशल, इनसे संबंधित प्रश्न जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो हिंदी की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो है दिल्ली IAS अकेडमी का बुक लेना है, क्योंकि इसमें व्याकरण के बारे में आपको कम्प्लीट A to Z नॉलेज है एक्सप्लेन किया जाता है। इसके साथ हम बात करें आपकी इंग्लिश के, तो इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हर कंपटीशन एग्ज़ाम में जो है इंग्लिश से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। इंग्लिश में आपका जो है ग्रामर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो ग्रामर्स में आपका नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वाइस, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टैग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, प्रेसिस राइटिंग, ये सभी आपकी इंग्लिश के ग्रामर्स में पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश के ग्रामर्स की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो है इसेंशियल इंग्लिश अश्मी सी दिशा पब्लिकेशन की बुक से आपको जो है पढ़ाई करना है। तो यदि आप इसेंशियल इंग्लिश अश्मी सी दिशा पब्लिकेशन की बुक से पढ़ाई करेंगे तो आपको इंग्लिश के बारे में संपूर्ण A to Z नॉलेज मिल जाएगा। इसके साथ हम बात करें मैथ्स की, गणित के, तो मैथ्स में आपका आएगा घातांक, बीजी व्यंजक, गुणनखंड, समीकरण, श्रेणियाँ, ब्याज, अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशत, जन्म एवं मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि दर, समय तथा दूरी, रेखा तथा कोण, समतली आकृति, सांख्यिकी, तो इन सभी से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गणित की तैयारी करने के लिए आप जो है डॉक्टर RS अग्रवाल का बुक ले सकते हैं। तो यदि आप डॉक्टर RS अग्रवाल के बुक से जो है मैथ्स की तैयारी करेंगे तो मैथ्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो पाएगा और आपको गणित के बारे में जो है A to Z संपूर्ण नॉलेज मिल जाएगी। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ रीजनिंग के बारे में, तो रीजनिंग की तैयारी करने के लिए आप जो है अरिहंत का मास्टर रीजनिंग ले सकते हैं। अरिहंत के मास्टर रीजनिंग काफ़ी ज़्यादा मस्त इंपॉर्टेंट होता है रीजनिंग, जिससे आपकी जनरल मेंटल एबिलिटी, सामान्य मानसिक योग्यता के प्रश्न जो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अब बात करें साइंस के, तो साइंस में आपका बल एवं गति, वाष्पन, सुचालक, कुचालक, प्रकाश के स्रोत, ध्वनि के प्रकार, ध्वनि संचरण, चुंबक के गुणधर्म, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व, कोशिका विभाजन,
मानव शरीर के विभिन्न अंग तंत्र जैविक अजैविक घटक सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग खसरा डिथीरिया या टाइफाइड रोगों से बचाव संतुलित भोजन इनसे संबंधित प्रश्न जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो साइंस की तैयारी करने के लिए आप जो दृष्टि आईएएस का क्विक बुक ले सकते हैं। तो यदि आप साइंस की तैयारी करना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस के क्विक बुक से आप जो साइंस की तैयारी कर पाएंगे और बहुत अच्छे से आप जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ सामाजिक अध्ययन की बात करें तो इसमें आपका भारतीय समाज, भारतीय समाज एवं संस्कृति, मौर्य साम्राज्य तथा गुप्त साम्राज्य, भक्ति और सूफी आंदोलन, मुगल साम्राज्य, इनसे संबंधित प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। इसके साथ हम बात करें कंप्यूटर्स के, तो कंप्यूटर में आपका कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर के प्रमुख भाग जिसमें आपका सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस के बारे में जानकारी, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी, इंटरनेट के उपयोग, एंटीवायरस के उपयोग, मल्टीमीडिया के उपयोग, सीडी डीवीडी की जानकारी, गूगल यूट्यूब की जानकारी, इन सभी से संबंधित प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर्स की तैयारी करने के लिए आप जो है परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परिचय ले सकते हैं। तो परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परिचय यदि आप इससे एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे तो आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से हो पाएगा और आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से नंबर आएगा। इसके साथ हम बात करें सामान्य ज्ञान में जिसमें आपका भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान और भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, ये सभी चीज़ें पूछे जाते हैं। तो संविधान की तैयारी करने के लिए आप जो एम लक्ष्मीकांत की बुक ले सकते हैं, भारत की राज्य व्यवस्था, जिससे कि आपकी संविधान कॉन्स्टिट्यूशन की तैयारी जो अच्छे से हो पाएगा। और छत्तीसगढ़ की तैयारी करने के लिए आप जो है कॉम्पिटिशन अकेडमी हरिराम पटेल सर का बुक ले सकते हैं जिसमें छत्तीसगढ़ के इतिहास, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की उद्योग, शिक्षा, प्रशासनिक ढांचा, इन सभी चीज़ों के बारे में नॉलेज पूछे जाते हैं। तो इन सभी बुक से जो आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं और आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो पाएगा और आपको सभी चीज़ों के बारे में जो है कम्प्लीट नॉलेज मिल जाएगा। तो इन सभी से जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए और आप डेफिनेटली एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर पाएंगे। बस खुद के ऊपर भरोसा रखिए कि हाँ, मैं कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर सकता हूँ, मुझे ज़िंदगी में सक्सेस मिलेगी। और मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे हर एक स्टूडेंट अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, कुछ करें अपने लाइफ में और आपकी भी ज़िंदगी बदलेगा यदि आप मेहनत करें। तो जितना हो सके मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो सब लोगों को अच्छा लगा हो, पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए। और आपका अगर कोई भी डाउट हो, आप उनसे प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं और आप सभी के कमेंट का मैं रिप्लाई जो है अवश्य करूँगा। तो इसी तरह से मेरे चैनल पर आप सभी लोगों को नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है शेयर कीजिए ताकि इसी तरह से मेरे चैनल पर आप सभी लोगों को नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड वीडियोस जो है मिलते रहेंगे। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियोस को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सो थैंक यू। और भी कोई भी डाउट्स हो, यदि आप मुझसे प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, आप सभी के कमेंट का जवाब जरूर दूँगा।